जिस तरह से ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि लगातार पिछले कई दिनों से कांग्रेस के कार्यकर्ता में उत्साह है। इस वक्त की तस्वीरें काफी ज्यादा हजूम यहाँ पर जो है एकत्रित है। लाइव तस्वीरें इस समय आपको जो है लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि कार्यकर्ताओं की संख्या जो है बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इस तरह की लाइव तस्वीरें जो है वो आप तक साझी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के पूर्व में मंत्री रहे मुला राम जी के ऊपर फिर से कांग्रेस ने जो है हमारे से प्रत्याशी जो है उनको घोषित किया। उसके बाद आज वो नॉमिनेशन फाइल यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम से दोनों तरफ से रोड यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उत्साह की लहर जो है इस समय है। ये देखो आप कार्यकर्ता जो है उनके नाम के जगह आप जो है तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर लाइव तस्वीरें देख सकते लाइव तस्वीरों पर फिर से आपको बता दूंगा सनराइज के माध्यम से यहाँ पर ये बता रहा हूँ आपको। इस समय मुट्ठी से ये तस्वीरें यहाँ से उनकी रैली जो है वो मेयर एसडीएम ऑफिस की तरफ जो है वो यहाँ पर जा रही है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी कार्यकर्ता यहाँ पर जो है वो कांग्रेस के पहुंचे हैं। और लगातार जिस तरह से पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ कि युवा चेहरे जो है वो काफी देखने को मिल रहे हैं। और मांग जो है वो यहाँ पर मर में इस समय जिस तरह से टक्कर जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर त्रिकोणीय श्रृंखला यहाँ पर चलने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूं। और कांग्रेस की जिस तरह से आप यहाँ पर लहर देख रहे हैं, इनके जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह जो है बेहद उत्साह है। दोनों तरफ यहाँ पर जो है रोड जो है वो ब्लॉक हो चुका है। और इस समय मुट्ठी से मैं आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ से रैली की जो है छेद में जो है यहाँ से कार्यकर्ता जो है वो मर एसडीएम ऑफिस जो है यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल होगा वहां पर। ये देखिए आप उत्साह जहाँ पर कार्यकर्ताओं में खुशी है। और कहीं ना कहीं लगातार जहाँ पर हजूम यहाँ पर सुबह से ही जो है कांग्रेस पार्टी श्री मुला राम जी श्री मुला राम जी हैप्पी भैया हैप्पी भैया श्री मुला राम जी श्री मुला राम जी। ये देखें यहाँ पर रैली की शेप में जो है इस समय मर एसडीएम ऑफिस जो है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए मुला राम जी जो है वो जा रहे हैं। और कार्यकर्ता यहाँ पर रैली की शेप में चाहे वो बाइक की बात हो या फिर तमाम अपनी गाड़ियां जो है यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो लेकर आए हैं। और रैली की शेप में यहाँ पर जो है मर तक एसडीएम ऑफिस तक जो है यहाँ पर दोनों तरफ यातायात यहाँ पर रुक चुका है। जो तस्वीरें आप एक बार फिर से मैं आपको बता दूं मुट्ठी से यहाँ पर लाइव तस्वीरें इस समय आप तक साझी कर रहा हूँ। दोनों तरफ से यहाँ पर यातायात जो है वो रुक चुका है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो लहर है जो कार्यकर्ता इस समय मुला राम जी के साथ जो है रैली की शेप में मर तक यहाँ से मुट्ठी से पहुंचेंगे तमाम उन कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उत्साह है।
क्या कहेंगे जिस तरह से आज खुशी है सर? कहना क्या, बताने कहने की जरूरत ही नहीं है। आप जनसभा देख लो मुनाराम साहब का, और आने वाले दिनों में 8 अक्टूबर को विनिंग कैंडिडेट होंगे, हमारे ब्लॉक के शेयर होंगे। और इन्होंने पिछले 10 साल से जब एमएलए बने थे, इन्होंने छोटे प्यारे किए हैं, आप सब मर्ग की जनता को सब बताया। और जब पिछले 10 साल उन्होंने बीजेपी ने हमको गिफ्ट दिया, डिप्रेशन, चिट्टा, अनएम्प्लॉयमेंट और बाहर के कुत्ते जगह पे पड़े हैं, उनको जम्मू कश्मीर की जनता को दिखाएगी और इनको जम्मू से मत से बांध कर कहीं ना कहीं आगे। लाइव तस्वीरें यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कार्यकर्ताओं में यहाँ पर जिस तरह से उत्साह है उसी को देखकर यहाँ पर इनका कहना है कि मूलाराम जी जो है यहाँ से विनिंग कैंडिडेट होंगे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, और एक तरफ दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में जिस तरह से आपसी यहाँ पर जो गठबंधन है उसी से कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कार्यकर्ता आपको इसी रैली में, इसी हजूम में जो है कांग्रेस के साथ मिलते हुए दिख रहे हैं। और बड़ी कांग्रेस की रैली है, कांग्रेस की रैली में आज देखो लोगों ने इतना खुशी से इतना टाइम, कीमती टाइम निकाल के, हर बंदे को टाइम नहीं है निकाल घर से बाहर निकलने का, ये एक जज्बा है इन दिलों के अंदर कांग्रेस के लिए प्यार है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जज्बा है, ये लोगों का यहाँ पर कहना है। देखिए आप महिला शक्ति भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, ये देखें यहाँ पर मैं आपको बता दूं सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज ये जनसभा आपके पीछे कर रहा है। देखिए कितना नरेश जी आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से मार के जो हर वर्कर जो है, हर घर से कितना साथी जो है वो निकला है, कांग्रेस के लिए निकला, क्योंकि जो मैंने अपने 2 टर्म कांग्रेस पार्टी के लिए नवाड़ ब्लॉक में जो काम किया है, हर सदा पर मैंने काम किया, चाहे नौकरी के मसले, चाहे डेवलपमेंट के मसले हों, और हमेशा हमने पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की और ब्लॉक को मजबूत करने में, ब्लॉक मढ़ के लोगों का कभी भी साथ नहीं भूल सकता हूं। अगर मुझे फिर दोबारा मौका मिला मैं जो भी कमी पेशी है उसको पूरा करने की पूरी। सर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कार्यकर्ता दिख रहे हैं, क्या कहना आने वाले दिनों में सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का? देखिए ये एक तहत है और सब लोग जानते हैं कि सरकार जो बनने वाली है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनने वाली है, और जितने भी यहाँ नजायज कानून जो स्टेट में लागू किए गए हैं इंक्लूडिंग
स्मार्ट मीटर चाहे जो भी कानून करना यहाँ लागू किए गए हैं, मैं इन लोगों को अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जिस दिन भी ये असेंबली होगी, जितने भी कानून जो हैं जो नजायज तरीके से जहाँ लागू किए हैं, जिस दिन असेंबली जहाँ लागू, एक ही रेजुलेशन में सब बंद करके बीजेपी के दफ्तर में भेजे जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इन कानूनों की कोई जरूरत नहीं है। तमाम कानूनों को जो है वो भाजपा के ऑफिस में लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये मुरा राम जी का कहना है। ये तस्वीरों को फिर से आपको बता दूं कि लाइव जेके सनराइज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए आप, कांग्रेस के मूला राम जो है पूर्व मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से कांग्रेस ने उनके ऊपर विश्वास जो है वो जताया, और उसी बीच आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए मड एसडीएम ऑफिस यहाँ से मुठी से जा रहे हैं, और रैली की शेर में यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से हजूम नजर आ रहा है, और ये देखिए आप यहाँ पर तस्वीरें, यातायात कहीं ना कहीं है वो दोनों तरफ से रुक चुका है, और इस वक्त कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने खुशी की लहर जो है वो नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें जेके सनराइज के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। मैं बीजेपी के बहुत एंटी हूँ, क्योंकि आने वाली सरकार जी है एनसी और कांग्रेस की आने वाली है, और इन लोगों को बहुत परेशान किया है। गरीब लोग जो मर चुके हैं, इसलिए कहते हैं कि बदलाव जरूरी है। कांग्रेस की सरकार चाहिए, कांग्रेस की सरकार चाहिए। यहाँ पर ये कार्यकर्ताओं में कहना है, ये लाइव तस्वीरें अभी जी क्या कहेंगे, जिस तरह से आज रैली जो है यहाँ पर, जन सैलाब जो है यहाँ पर बिछा, क्या कहेंगे आप? नरेश जी, मैं सबसे पहले शुक्रिया करना चाहता हूँ स्मार्ट ब्लॉक की जनता का। आपने इनमें देखा हो कितना जोश है, आज हजारों की संख्या में हर पंचायत से कम पांच पांच बसें आई हुई है, कम से कम 20,000 लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गया। इन्होंने मन बना लिया कि मुला राम साहब आज जीत चुके हैं, और आने वाले दिनों में देखोगे आप, जो आने वाले दिनों में हमारा नौजवान यूथ, हमारी घर की महिलाएं बहने हमारे साथ जुड़ रही है, ये एक संकेत है यहाँ पे मुलाराम जी की जीत की खुशी में। क्या बदलाव होगा जब मुलाराम जी यहाँ से जीत कर आएंगे? तो जब मर्द मुलाराम जी जीत के आएंगे, आपने देखा होगा जैसे पहले मुलाराम जी ने मर्द ब्लॉक की तरक्की कराई है, वैसे आने वाले दिनों में फिर से मर्द ब्लॉक का नाम रोशन होगा पूरे जम्मू कश्मीर में, मर्द ब्लॉक का नाम रोशन होगा, ये हैप्पी का कहना। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि उत्साह कार्यकर्ता में, एक बार फिर से आपको बता दूं, जिस तरह से यहाँ पर मुलाराम जी के सुपुत्र हैप्पी का कहना है कि हर पंचायत से यहाँ पर पांच पांच दस दस गाड़ियां जो है पहुंची हैं, और कहीं ना कहीं जीत जो है वो निश्चित है। और इसी बीच ये लाइव तस्वीरें आपको जेके सनराइज के माध्यम से एक बार फिर से आपको बता दूं, मुट्ठी से दिखा रहा हूं, यहाँ पर कांग्रेस की रैली जो है वो निकली, और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पूर्व मंत्री मुलाराम जी जो है वो आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें आपको जेके सनराइज के माध्यम से दिखा रहा हूं, काफी यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उत्साह ये है कि लोगों का कहना है कि एक बार फिर से मुलाराम जी जो है यहाँ से जीत कर आएंगे तो मढ़ में जो है जरूर परिवर्तन आएगा। जो लोगों के लिए रहता है कि नौकरियों की बात करें तो स्पेशल यहाँ पर देखे, यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो खुशी यहाँ पर जाहिर करते हुए, जिस तरह से यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो खुशी की लहर उनमें नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें Thank you.
लगातार कार्यकर्ताओं की यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं, कहीं ना कहीं लोग बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ये देखें आप, ये देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी यहाँ पर आपको जो है वो झंडे नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अलायंस यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुआ है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी कांग्रेस की रैली में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के फ्लैग भी यहाँ पर आपको जो है वो नजर आएंगे। लगातार रैली जो है एक, अगर मैं कहीं ना कहीं कहूँ तो जनसैलाब जो है वो नजर आ रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि कांटे की टक्कर इस बार जो है वो मढ़ ब्लॉक में देखने को मिलेगी, और त्रिकोणीय यहाँ पर जो है वो टक्कर देखने को मिलेगी, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है। और इसी तरह से आप देख रहे हैं लगातार कार्यकर्ताओं की गाड़ियां जो हैं वो आपको दिखती हुई नजर आ रही हैं। देखिए आप यहां पर कार्यकर्ता जो हैं खुश नजर आते हुए। Thank you.